सिंगापुर जाने से पहले क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नए प्रदेश अध्यक्ष को कुर्सी सौंप कर जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी दिल्ली पहुंचे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर जाने से पूर्व लालू प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर फैसला करने के मूड में हैं और यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिल्ली तलब किया गया है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरजेडी के मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी दिल्ली में दो बार लालू प्रसाद से पहले ही मिल चुके हैं। चर्चा है कि ये मुलाकातें प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हुई हैं और आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे नाम अब्दुल बारी का ही है। 2024 में लोकसभा और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी करीब है। ऐसे में तेजस्वी यादव को एक मजबूत संगठन की जरूरत है जिसकी बागडोर एक अनुभवी नेता के हाथ में हो। इस आधार पर अब्दुल बारी सिद्दीकी एक आजमाया नाम है। सबसे पहले तो सिद्दीकी अनुभवी है, नीतीश कुमार की भी पसंद है और आजमाए हुए भी। ऐसा इसलिए कि राजद में जब बड़ी टूट हुई तो सिद्दीकी लालू प्रसाद के साथ ही रहे। राजद की आज सबसे बड़ी चुनौती है MOI समीकरण को बनाए रखना। आपको बता दें अभी RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। हालांकि बीते करीब 1.5 महीने से वो कार्यालय नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर कयासों का दौर भी जारी है। 2 अक्टूबर को जगदानंद सिंह प्रदेश कार्यालय आए थे और उसी दिन मीडिया के सामने अपने बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद कहा था कि जो किसानों के हित की बात करता है उसे त्याग करना पड़ता है। आगे और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। करता है और आज भी बलिदान देने की आवश्यकता है, मैं यही पर चर्चा कर दे रहा हूँ, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती है। इसी बयान के बाद जगदानंद सिंह कभी पार्टी कार्यालय में नजर नहीं आए। इसके पहले भी कई बार उनकी नाराजगी झलकी है, कभी तेज प्रताप की बातों से तो इस बार बेटे के इस्तीफे के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे में सिंगापुर जाने से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नए प्रदेश अध्यक्ष को उनकी कुर्सी सौंप कर जाएंगे। इसके लिए लालू ने अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम फाइनल भी कर लिया है। कहा जा रहा है कि अब तो बस औपचारिक घोषणा भर होना बाकी रह गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।